नमस्कार दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने जाना देवी अहिल्याबाई होलकर के सुशासन, प्रजा के लिए प्यार, शौर्य और सनातन संस्कृति के जीर्णोद्धार की गाथा। आज के एपिसोड में हम जानेंगे उनके द्वारा किए गए इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बारे में, जो शायद 21वीं शताब्दी के हमारे नेता लोग नहीं कर पाते होंगे। होलकर वंश के संस्थापक श्री मल्हार राव होलकर ने उनकी बहू नन्ही अहिल्या को राजनीति और शस्त्र विद्या के साथ कारीगर, कलाकार और किसानों का आदर करना सिखाया था। तो अहिल्याबाई के शासन के समय उन्होंने इसी को आधार बनाया और अपने राज्य में समृद्धि व विकास के दरवाजे खोले। सर्वप्रथम उन्होंने किसानों के विकास के लिए कर व लगान माफ किए और उनके द्वारा उपज व खेती किए जाने वाले जमीन को उनके नाम करवाया। इससे किसानों पे कर का बोझ कम हुआ और उपज की मात्रा बढ़ने लगी। खेतों से जो भी अनाज उत्पाद होता, उन्हें वो अपने प्रजा की भूख मिटाने में सक्षम तो हुए ही, उसके साथ दूसरे राज्यों में भी निर्यात किए जाने लगे। सोचिए, अगर आज के समय में ऐसा हो तो कितनी खुशहाली और समृद्धि होगी हमारे देश में। उनके खुद की राजधानी महेश्वर के बुनकार कई सालों पहले अत्यंत उच्च गुणवत्ता के साड़ी और कपड़े बनाते थे, लेकिन समय के साथ मुगलों के बर्बरता और कुशासन ने यहाँ का उत्पादन ना के बराबर कर दिया था। तो इन बुनकारों के उत्थान के लिए उन्होंने गुजरात के सूरत और मध्य प्रदेश के मांडू से बुनकारों को आमंत्रण किया और उन्हें यहाँ बसा दिया और उनसे आग्रह किया कि साड़ियों पे ऐसे बनावट करें कि महेश्वर के वास्तुकला की छाप हो। उन्हीं के प्रयास से बनी महेश्वर रेशम साड़ियाँ पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हुई। यहाँ तक ऐसा भी माना जाता है कि उस समय पुणे के पेशवा अपनी धोती महेश्वर से मंगवाते थे। उन्होंने अपने राज्य के कलाकारों को उत्साहित किया और नाट्यकला, संगीत, शिल्पकारों के लिए एक पूंजी निर्धारित की, जिससे पूरे राज्य और राज्य के बाहर तक वे अपनी कला का प्रदर्शन करने लगे। उन्होंने अपने राज्य में पंडितों के उत्थान के लिए कई मंदिर बनवाए और उनमें से कई पंडितों से आग्रह किया कि सभी पंडित मिलकर रोज 2.5 लाख शिवलिंग बनाएं, और वो भी पूरे विधि पूर्वक। उनका मानना था कि ऐसा करने से उनकी प्रजा का जन कल्याण होगा। इस शिवलिंग बनाने की प्रक्रिया को आप आज भी देख सकते हैं, ये आज भी प्रचलित है, परंतु अब 11 ब्राह्मणों के द्वारा 15,000 शिवलिंग रोज बनाए जाते हैं और उन्हें नर्मदा जी में विसर्जित किया जाता है। उनके 28 सालों के शासन के दौरान राजकोष में 130% बढ़ोतरी हुई। वो अपने परिवार का खर्चा कभी भी राजकोष से नहीं करती थी। निजी खर्चे के लिए उनके संपत्ति से जो भी आय होता था वो खर्चा किया जाता था। तो दोस्तों, ये थे कुछ डेवलपमेंटल रिफॉर्म्स जो राजमाता अहिल्याबाई होलकर ने किए थे। ये एक आश्चर्य की बात है कि उनके कीर्ति पताका को कभी मैनेजमेंट स्टडीज में पढ़ाया नहीं जाता। उनके द्वारा किए गए काम पॉलिटिक्स और मैनेजमेंट में अत्यंत उच्च कोटि के उदाहरण हैं। उनके बारे में इतनी किंवदंतियां हैं कि उन पे जितने भी एपिसोड्स बनाए तो कम पड़ जाएंगे। मैंने उनके बारे में ये सीरीज बनाते समय कभी ये नहीं सोचा था कि एक से ज्यादा एपिसोड बनेंगे, लेकिन जितना उनके बारे में पढ़ता गया उनकी कीर्ति और भी ज्यादा बढ़ने लगी। तो दोस्तों, लेट अस नो की तरफ से पुण्य श्लोक राजमाता देवी अहिल्याबाई होलकर को कोटि कोटि नमन। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगली बार फिर से एक नए टॉपिक या वीडियो के साथ हम वापस आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।